सेगांव समीप ग्राम घुसगांव और आसपास के ग्रामवासियों को संत भक्त पंडित भगवती प्रसाद तिवारी संदलपुर खातेगांव द्वारा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए योग और दोपहर 1 बजे श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। इन दोनों ही समय बड़ी संख्या में महिला पुरुष युवा और बच्चे पहुंचकर पुण्य लाभ ले रहे हैं। पंडित तिवारी जी बताते हैं कि योग से जब तन और मन स्वस्थ होंगे तभी भगवान से लगन लगा सकते हैं। अगर मन व तन अस्वस्थ होगा तो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए सुबह योग प्राणायाम करें व दोपहर को कथा रसपान करें। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। जो गुरुजी आप सभी को बता रहे हैं उस मार्ग पर चलना है सभी को, और अपने धर्म सनातन की भी रक्षा करना है और देश की भी रक्षा करना है और अपनी खुद की भी और अपने खुद परिवार की भी करना है। यही विचार है मेरे परम पूज्य गुरुजी से मैं आग्रह करता हूँ। मेरे ग्राम की माता बहनों और भाइयों को ऐसी वाणी देके जाओ जो कि पूरे जीवन तक नहीं भूले और आपका हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे, और हमारी यही उम्मीद है आप का कार्य हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा होते रहे और मार्गदर्शक मिलता रहे। वैसे हमारे महेश भैया वैसे तो हमको सबको बताते हैं, पर कुछ लोग बायकॉट कर देते, जैसे मैं भी उसमें एक हूँ जो कि ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो मैं भी आज आया हूँ तो मेरे को भी ऐसा लगा है कि क्या करना चाहिए। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो अपन खुद सब स्वस्थ और परिवार भी स्वस्थ रहेगा, और ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कार्य को निरंतर चलता रहे, प्रतिरोज आप किसी भी हिसाब से समय के बाद बोलिए गुरुजी, आपने जो समय आपने बोला है समय से पहले काम भी कर ले तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक्स्ट्रा समय निकल आता है गुरुजी। और आपके जो विचार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आपने अभी बोला है लाइट लाइट की समय तक, क्योंकि प्रकृति की रोशनी तो आ चुकी है और राष्ट्रीय हित में भी देखना पड़ेगा और सभी को लेकर चलना होगा। यही विचार है मेरे। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर कलाकार है, सारी बातें बोल दी उन्होंने, मतलब सारा सार सुनाया भाई कालू जी कन्होजे ने। उनका चिंतन उनका मनन बहुत अच्छा है, मैं तो ऐसे ही समझ रहा था। नहीं करोगे तो आने वाले समय में बहुत बड़े दुष्परिणाम सामने आए। सारी बंजर हो गई थी एक समय में, अगर बीज बोते थे तो वो उगता नहीं था तो ठीक रहते, उसके बाद में फिर देवताओं के आग्रह से ये जमीन अपनी उपजाऊ हुई है, उसके बाद इस जमीन से अपने को भोजन प्राप्त हुआ। साथियों उसी तरह सारे बेगाना आम बात हो गई है। गुरु जी ने बताया कि कोई सुरेश जी शर्मा है उनके त्रुटि सीधी सब दवाइयां डाल रहे हैं, कुछ ऐसा सिद्धांत बना ले, क्योंकि सारे अब किसान है, अपन कोई व्यापारी तो है नहीं, बड़े बड़े खेती करते नहीं, अपने सुबह उठे भगवान का नाम नाम जब करा और खेत में निकल जाते हैं। तो आप कम से कम आधा एकड़ जमीन से शुरुआत करें, मक्का हो मक्का के सीजन में भले आप 1 किलो मक्का लगा दे घर खाने के लिए, ये अब साल भर में अपने को कितनी लगती है। दूसरा गेहूं का सीजन आया तो गेहूं में भी आप आधा एकड़ में करें, उस आधा एकड़ गेहूं डाले, गेहूं बोने के बाद में जब पानी देने की स्थिति आ रहे और गोमूत्र एक पाइप के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम बना दे 200 लीटर के ड्रम में, जो पानी पूरे खेत में आधा एकड़ में पूरा पानी के साथ मिल जाए, उससे आपको यूरिया नहीं देना पड़ेगा, डीएपी नहीं देना पड़ेगा और कोई यूरिया का स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। अगर स्प्रे अगर करना है गेहूं में आपको तो एक हमारे एक योग के माध्यम से योग के द्वारा स्वास्थ्य लाभ ले रहे वैसे आप कर रहे। कल चर्चा हमारी हुई थी, आज हम देखो कथा में भी रखेंगे विचार, और जरूर इस पे ध्यान दो, लापरवाही ना करो। लोगों ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए खेती करके कमाए, जहर डाल के ज्यादा पैदा कर लिया, खाद डाल के ज्यादा पैदा कर लिया, लेकिन कैंसर भी पैदा हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।